युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है वो अभी नींद में हैं, उनको भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि युवाओं की थोड़ी भी परिभाषा आप पे लागू होती है तो जागरूक हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अपने अपने ग्राम पंचायत के विद्यालय में सभी एकजुट रहे और किसी भी बाहरी को ज्वाइनिंग नहीं देने। सभी को जोहार साथियों, विद्या संबल योजना में अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की मांग को लेकर भील प्रदेश युवा मोर्चा के बैनर तले बेरोजगार अभ्यर्थियों ने बीटीपी विधायक राजकुमार रोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित बेरोजगारों पद पर भर्ती प्रक्रिया हेतु अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। उससे यहाँ के प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में बाहरी क्षेत्र से आवेदनकर्ता इस क्षेत्र के हक अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते समस्त अनुसूचित क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि उक्त योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, स्थानीय ग्राम पंचायत के अभ्यर्थियों को ही वरीयता दी जाए। यदि स्थानीय ग्राम पंचायत का अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उस पंचायत समिति के क्षेत्रीय स्तर पर चयन कर वरीयता अनुसार चयन किया जाए। साथ ही डूंगरपुर जिले में अन्य जिले एवं राज्य से आए आवेदनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त माना जाए। दोस्तों, आपको विधायक राजकुमार रोत की यह पहल कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।